निकलना जो है वो स्टार्ट हो गई है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में फिर से हम लोग आ गए हैं खेत की तरफ। और अभी खेत पर देख सकते हो धान जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। और वहाँ पे चाचा जी जो है वो पानी देने का काम अभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगा रखे हैं गेहूँ, कितने बड़े बड़े हो गए अभी। और इधर की साइड में है कुआं हमारा, तो कुएं में देखते हैं कि अभी कितना पानी जो है वो भरा हुआ है। तो ये देखिए अभी भी इतना पानी है इसके अंदर। और यहाँ पे लगा रखा है बरसी और रचका गायों के लिए, ये भी निकलने लग गया अभी। और इधर की साइड में भी गेहूँ लगा रखे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ हमारे जो और भी आगे की साइड में जो खेत है वहाँ पे, और वहाँ पे भी दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे क्या धान निकल रहा है। तो अभी आ गया हूँ मैं हमारे जो दूसरे वाले खेत हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी जो हम लोगों ने अलसी लगाई थी वो देख सकते हो आप, निकलना जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये तो इधर के जो पूर्व जो पूरी साइड में इधर की साइड में जो है पूरे खेतों में हम लोगों ने अलसी लगाई है वहाँ तक। तो हमारा जो फर्स्ट बार खेतों में जो पानी देने का जो काम है वो लगभग लगभग सभी में कंप्लीट हो गया है। और पीछे की साइड में जो खेत है इसके अंदर अभी चल रही थी मोटर, तो जस्ट अभी हाल जो है वो बंद की हम लोगों ने। और सभी खेतों में जो फर्स्ट बार जो पानी देने का काम है वो हो गया हमारा। अभी सेकंड बार की थोड़े टाइम लगेगा अभी, उसके बाद सेकंड बार भी स्टार्ट कर देंगे पानी देने का काम। और ये जो खेत है ये देख सकते हो, ये हम लोगों ने चने लगाने के लिए जो है तैयार किए थे। तो अभी 4-5 दिन बाद यहाँ पर शेड्यूल से ट्रैक्टर की शेड्यूल से जो है चने लगाएंगे। तो ये था मेरे खेत का आज का जो वीडियो है। और इधर के साइड में हमारे पड़ोस में जो है ये सरसों लगा रखी है, हमारी देसी लैंग्वेज में बोले तो रावे की जो फसल होती है वो लगा रखी है। और काफ़ी बड़ी भी हो गई है, फूल भी आना स्टार्ट हो गए इसके। फाइनली मैं जा रहा हूँ अभी घर की तरफ। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।